हेलो फ्रेंड, अर्चना कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम शेयर कर रहे हैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी की रेसिपी है और इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। और हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं सब्ज़ी बनाना। यहाँ पे हम बेसन लिए हैं, तो इसमें डाल लेंगे हम हल्दी पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर। और लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हम अरवी पत्तों को धुल कर ले लिए हैं। तो अरवी के पत्ते के ऊपर मैं पेस्ट को लगा लूँगी। तो इसी तरह हम लगाएंगे इसको और दूसरे पत्ते में भी इसी तरह से लगाएंगे हम। तो इसको हम रोल कर देंगे पत्ते को। तो इसी तरह हम बचे हुए पत्तों को भी रोल कर देंगे। तो फिर से हम पेस्ट को लगा देंगे इसमें, इसके किनारे भाग में भर देंगे और फिर से इसी तरह हम पेस्ट को लगाएंगे और इसी तरह हम लगा देंगे। अब इसको हम नाइफ से काट लेंगे। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह हम हरे पत्ते को काट लिए हैं और गैस ऑन करके यहाँ पर सरसों का आयल डालेंगे। और आयल गर्म हो गया है तो इसको हम तल लेंगे। तो अरवी पत्ते को रोल हम यहाँ पर तलेंगे और गोल्डन ब्राउन तक इसको तलेंगे। अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए ढक देंगे और फिर इसको हम दूसरे साइड पे पलट देंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसको दूसरे साइड हम पलट देंगे और इसको भी हम 5 से 7 मिनट तक लिए ढक देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह से पक गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और फिर से इसको हम तल लेंगे इसी तरह। तो इसको भी हम 7 से 8 मिनट तक के लिए ढक देंगे और 5 से 8 मिनट हो गया है। तो इसको भी हम दूसरे साइड पलटेंगे। फिर से हम ढक देंगे 7-8 मिनट के लिए और हो गया 7-8 मिनट। तो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, पक गया है बिल्कुल क्रिस्पी। तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम, कढ़ाई में डालेंगे अब तेज पत्ते। और आधा स्पून जीरा और प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे।
तो इसको हम अच्छी तरह चलाते जाएंगे ताकि जले नहीं। और गैस का आँच यहाँ पर हम स्लो रखेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे और फिर इसको हम चला देंगे। तो इसको 5 मिनट तक के लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गया है तो इसमें डालेंगे टमाटर का ग्रेवी और इसको भी अच्छी तरह से हम चलाएंगे ताकि जले नहीं। और इसको भी हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे। अब इसमें डालेंगे हम गरम मसाला और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर तो यहाँ पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हम डालेंगे यहाँ पे अमचूर पाउडर। तो इसको भी अच्छी तरह से हम चलाएंगे मसाले को भी और मसाले को भी हम 7 मिनट तक के लिए ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला पक जाए। मसाला पक गया अच्छी तरह से तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर से मसाले को अच्छी तरह से चलाएंगे। और इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगा है तो फिर से इसको ढक दूंगी और फिर इसको चला लूँगी अच्छी तरह से। फिर से मैं यहाँ पर ढकूँगी तो फिर से मसाले को अच्छी तरह चलाएंगे। और फिर से हम यहाँ पर पानी डाल देंगे। मसाला पक गया तो इसमें पानी और डाल देंगे। अब इसको 10 मिनट तक के लिए हम ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। और 10 मिनट हो गया है तो अब इसमें उबाल आने लगा है तो अब इसमें हम डाल देंगे अरबी पत्ते का रोल जो बनाई थी। अब इसको डालकर हम पका लेंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। अब डाल देंगे हम हरी धनिया कटी हुई। तो अब गैस ऑफ कर देंगे और अरवी के पत्ते का सब्जी बनके तैयार हो गया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको आप चावल या तो फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। और ये रेसिपी आप सबको कैसा लगा? रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।